दोस्तों मोहम्मद रिजवान को देखते स्टेडियम में मौजूद सभी भारतीय फैंस ने लगाए जय श्री राम के नारे। जी हां दोस्तों, ये बात तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मोहम्मद रिजवान जैसे ही हाफ सेंचुरी या फिर शतक पूरा करते हैं तो वो मैदान पर ही नमाज अदा करने लगते हैं, और उसी को देखते हुए भारतीय फैंस ने मोहम्मद रिजवान के सामने जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए। दरअसल जब मैच के बाद मोहम्मद रिजवान पवेलियन की ओर जा रहे थे तो उसी वक्त वहां पर मौजूद सभी भारतीय दर्शकों ने जय श्री राम के जोर जोर से नारे लगाना शुरू कर दिए। हालांकि इस पर मोहम्मद रिजवान ने किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार के वनडे वर्ल्ड कप को कौन सी टीम अपने नाम करेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।